सो वेलकम बैक गाइस। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है अमेज़ॉन के ऊपर। और ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अमेज़ॉन का ओरिजिन क्या होता है, इसका डाइट क्या होता है, क्या ये एक अच्छे पेट होते हैं, और उसके साथ साथ में कुछ ऐसे मज़ेदार इंटरेस्टिंग क्लिप्स आपको मैं दिखाने वाला हूँ जो शायद आप देख के बहुत चौंक जाएंगे। और अमेज़ॉन ख़रीदने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और कुछ मैं आपको इनसाइड डिटेल बताऊंगा जो शायद आपके लिए शॉकिंग हो। सो स्टे ट्यून्ड एंड डू वॉच फुल वीडियो। बिफोर गोइंग एट, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हुए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बिकॉज देर आर मैनी अदर इंटरेस्टिंग वीडियोज जो मैंने पहले बनाए हुए, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। सो आज मेरे पास एक ब्लू फ्रंटेड अमेजोन है। अगर आप गौर से इस पर आप इसके फ्रंट को देखेंगे और इसकी ब्यूटिफुल टेल को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने कलरफुल बर्ड होते हैं। अगेन ये बर्ड दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पसंद किया जाता है वो इनकी टॉकिंग एबिलिटी की वजह से। बहुत से लोग, आप लोग जितने मेरे क्लाइंट्स हैं या यूट्यूब के या इंस्टाग्राम के जो सब्सक्राइबर हैं, वो सब लोग है ना अफ्रीकन ग्रे, मगर उनमें से 90% लोगों को ये नहीं पता होता है कि अफ्रीकन ग्रे के जो बाप होते हैं, जो दादा होते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग एबिलिटी, मिमिकिंग एबिलिटी, वो होते हैं अमेज़ॉन्स। रही बात इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, जैसा कि इनका नाम सजेस्ट करता है अमेज़ॉन। अब प्लीज़ मेरे से एक्सपेक्ट नहीं करना कि मैं आपको इसका ओरिजिन भी बता के दूं। आपको पता है इसका नाम अमेज़ॉन इसीलिए है क्योंकि ये अमेज़ॉन किसके जंगल्स में मिलते हैं। ये साउथ अमेरिकन जो कंट्री होती है, जैसे ब्राज़ील हो गई और पेरू हो गया और तीन चार और दूसरी कंट्री है, उनके जंगलों में पाए जाते हैं, इसी पर इनका नाम पड़ा है अमेज़ॉन्स। अब इनकी बात करें सब स्पीसीज़ की, इस वर्ल्ड में अमेज़ॉन्स के 30 से ज़्यादा सब स्पीसीज आती है। अगर मैं एक एक सब स्पीसीज का नाम और उनका इंट्रोडक्शन करने लग गया तो मेरे हिसाब से मेरे को 3 घंटे का पॉडकास्ट करना पड़ेगा। तो मैं स्पीसीज को सिर्फ इंडियन कॉन्टिनेंट के हिसाब से मैं शॉर्टलिस्ट करूँगा कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में कौन कौन सी स्पीसीज अवेलेबल होती है सेल के लिए, तो उसी पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। रही बात इनकी साइज़ की, ये 1 फीट से लेके 20 इंच तक जाने वाले बर्ड होते हैं। इसमें छोटे अमेज़ॉन्स भी आते हैं, मीडियम साइज अमेज़ॉन्स और बड़े अमेज़ॉन्स भी होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लू फ्रंटेड अमेज़ॉन है। रही बात इनके केज रिक्वायरमेंट की, ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव बर्ड होते हैं, खेलने कूदना, इनको चलना फिरना लटकना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो इनके लिए जो केज की रिक्वायरमेंट होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। नंबर दो, इनका खाना जो पीना जो होता है, ये नट्स, बेरीज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब खा लेते हैं। ये मतलब राम भरोसे बर्ड होते हैं। ये खाएंगे वो खाएंगे, ये मतलब ज़्यादा फसी ईटर नहीं होते जैसा मकाउज होते हैं या काकाडूज होते हैं। इनको जो दो ये आराम से खा लेते हैं। खाना पीना इनका बहुत अच्छा होता है और इनकी जो इम्यूनिटी होती है, मैं एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, इनकी जो इम्यूनिटी होती है, पिछले 7 साल में मैंने कोई अमेज़ॉन की डेथ रिपोर्ट मैंने नहीं देखी। अफ्रीकन ग्रे, मकाउस, काकाटूस, बहुत से लोगों को डेथ होती है। डेथ इन टर्म्स ऑफ मैं इलनेस और सिकनेस की बात कर रहा हूँ, एक्सीडेंट से नहीं। एक्सीडेंट मतलब पंखे में आ गया, उड़ गया, बिल्ली ने खा ली, इनकी बीमारी की वजह से डेथ नहीं होती। तो इनकी इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग होती है, बहुत स्टर्डी बर्ड होते हैं ये, मगर इनके अंदर भी कुछ निगेटिव पॉइंट्स होते हैं। वो क्या होते हैं आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको शेयर करूँगा। अब रही बात स्पीसीज की, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो बहुत ही इजीली एक्सेसिबल अमेज़ॉन्स की स्पीसीज़ होती है, मैं कुछ के नाम बता दूंगा और मैं आपको फोटोग्राफ या वीडियोस मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा। और मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में बताना चाहता हूँ, असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ प्राइजेस, के जो सबसे लोएस्ट प्राइस से लेकर जो सबसे एक्सपेंसिव जो बर्ड्स अवेलेबल है मार्केट में सेल एंड परचेज के लिए। तो सबसे पहले जो स्पीसीज़ होती है वो होती है ऑरेंज विंग अमेज़ॉन। एज द नेम सजेस्ट, उनके परों के बीच में एक ऑरेंज कलर का 2-3 फेदर आते हैं।
उसके बाद आते हैं ब्लू फ्रंटेड अमेजोन। अभी आप लोगों को शायद बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होगा कि इसके अंदर ब्लू फ्रंटेड अमेजोन कहाँ है, जबकि इसके अंदर ब्लू का कोई पैच नहीं है। इसको दूसरी लाइक यूरोप में एवी कल्चर इंडस्ट्री में इसको टॉर्कोइस फ्रंटेड अमेजोन भी बोला जाता है। आप अगर देखेंगे इसके सर के आगे हल्का सा ब्लू कलर का एक पैच है, मैं एक फोटो आपको डाल दूंगा, सो दैट यू विल हैव अ क्लियर डिफरेंशिएशन बिटवीन ऑरेंज विंग एंड ब्लू फ्रंटेड अमेजोन। उसके बाद आते हैं येलो क्राउन अमेजोन, येलो हेड अमेजोन, येलो शोल्डर अमेजोन, देन उसके बाद आते हैं डबल येलो हेडेड अमेजोन, देन डबल येलो हेडेड अमेजोन के साथ में आता है मैग्ना डबल येलो हेडेड अमेजोन, और उसके बाद आता है येलो नेप्ड अमेजोन। उसके साथ साथ में जो छोटे उसके साथ साथ में जो छोटे अमेजोन्स होते हैं, जैसे होते हैं वाइट स्पेक्टिकल्ड अमेजोन्स, और दूसरा होता है मिली अमेजोन्स होते हैं, रेड लॉर्ड अमेजोन्स होते हैं। मगर लेट मी टेल यू, मैं अगर ये एक भी अमेजोन की फोटो रख दूं और आपको बोलूं कि आइडेंटिफाई दैट अमेजोन, 95% लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये कौन सा अमेजोन होता है। अभी मेरा सवाल डायरेक्टली आपसे, आप जब भी इंटरनेट पर गूगल पर और यूट्यूब पर सर्च मारते हैं कि बेस्ट टॉकिंग बर्ड, आपको सबसे पहले अफ्रीकन ग्रे क्यों दिखाता है और अमेजोन क्यों नहीं दिखाता है, आपने कभी सोचा है? देखिए, जितनी जिम्मेदारी मेरी इन द सेंस ब्रीडर्स ट्रेडर्स की जिम्मेदारी होती है इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की, उतनी जिम्मेदारी आपकी भी होती है कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लो। आप सिर्फ ट्रेडर और ब्रीडर पे अपनी जिम्मेदारी ढकेल के ये नहीं बोल सकते यार हमको नहीं पता था तो हमको इसके लिए नहीं पता था, तो ऐसा ये नहीं कर सकते। जाइए, देर आर मेनी फेसबुक ग्रुप्स, इंस्टाग्राम पेजेस, यूट्यूब चैनल्स हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो अगर आपको टॉकिंग एबिलिटी बर्ड में सिर्फ अफ्रीकन ग्रे दिखाता है तो उसमें जिम्मेदारी और उसमें गलती किसी और की नहीं, आपकी है, क्योंकि जितने भी लोग हैं सब लोग आग बनकर अंधाधुंध है सिर्फ अफ्रीकन ग्रे टॉकिंग बर्ड के लिए मानते डिमांड करते हैं, जबकि अमेजोन टॉकिंग करने में इनके बाप होते हैं। इनके बाप इस तरीके से होते हैं, अफ्रीकन ग्रे कैन रिसाइट कैन मिमिक अ वर्ड्स, ये पूरा ओपेरा सिंग कर सकते हैं। मैं अभी आपको एक क्लिप दिखाता हूँ, ये एक बर्ड शायद ऑस्ट्रेलिया का या यूरोपियन कंट्री का कोई है जो अपने ओनर के साथ मिलकर पूरा ओपेरा गाता है। हैव अ लुक एट इट। और एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, अगेन आई थिंक यूएस का होगा या कोई दूसरी कंट्री का था, जहाँ पर एक अमेजोन इतनी अच्छी मिमिक करता था और मिमिकिंग में ये आवाज़ें कैसे निकलता था कि मुझे बचाओ, हेल्प मी, उसकी आवाज़ सुन के वो पैरट के ओनर के जो नेबर्स थे उन्होंने पुलिस में फ़ोन करके बुला लिया था। इतनी अच्छी लोग मिमिकिंग करते हैं, मगर सवाल अभी भी वही है, ये चीज़ें आपको पता क्यों नहीं थी? आप बार बार अफ्रीकन ग्रे क्यों डिमांड करते हैं जो जबकि अमेजोन टॉकिंग एबिलिटी में इनके बाप होते हैं? तो इसका जवाब ये है, अमेजोन पैरट की ब्रीडिंग काफ़ी मुश्किल होती है, ठीक है? ये जिस तरीके की टॉकिंग करते हैं और इनमें इतनी तरीके की सब स्पीसीज आती है, अफ्रीकन ग्रे को आज ब्रीडिंग से ज़्यादा मास प्रोडक्शन लेवल पे लेके चले गए हैं लोग, जिस तरीके की मास प्रोडक्शन हो रही है अफ्रीकन ग्रे की, और धड़ाधड़ लोगों को इसी वजह से बर्ड्स थोड़े सस्ते हो जा रहे हैं और इसी वजह से लोग अफ्रीकन ग्रे की तरफ ज़्यादा जाते हैं। इसमें जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आप एक अच्छे टॉकिंग बर्ड के सिवाय आप क्या चाहते हैं कि आपको एक सस्ता बर्ड मिले। अब सबसे अहम सवाल, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आपको एक अमेजोन खरीदने से पहले किन बातों का सबसे ज़्यादा कॉशन रखना ज़रूरी है, ध्यान रखना ज़रूरी है? मैंने इसकी अच्छी बातें तो सारी बता दी कि इसमें क्या क्या अच्छाई होती हैं, इसके जो थोड़े से नेगेटिव पॉइंट हैं आपको उसमें थोड़ा कॉशियस रहना है। ये बर्ड थोड़े ज़िद्दी किस्म के होते हैं, दैट मीन्स अगर आप एक बर्ड को सामने स्टेप अप करने बोलेंगे, चलो स्टेप अप करो,
वो 10 में से 8 बार 9 बार आ जाएगा, पर ये बर्ड 10 में से सिर्फ 3 या 4 बार आपकी बात सुनेगा, बाकी बात वो बोलेगा चल भाई जा, आई डोंट केयर फॉर यू, मेरे को मेरे में रहने दे, मैं अपना आराम से खेलूंगा। नंबर दो, ये बर्ड के अंदर ओबेसिटी मतलब मोटापे की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आती है। अगर आपने इनको ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज आउट ऑफ द केज टाइम नहीं दिया तो ये मोटापे मोटे हो जाते हैं, जिनके वजह से इनको हार्ट का भी प्रॉब्लम आता है। नंबर वन पॉइंट था जो बहुत मतलब ये जिद्दी किस्म के होते हैं। नंबर दो, इनको ओबेसिटी होती है। ये जब टॉकिंग करते हैं, इनकी अच्छाई बातों में से एक है, ये सिर्फ ना सिर्फ वर्ड सीखते हैं, आपकी आवाज की भी कॉपी करते हैं। हेलो 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 हेलो। अगला पॉइंट, जैसे जैसे ये बड़े होते हैं, जैसे जैसे ये टॉकिंग एबिलिटी इनकी स्टार्ट होती है, ये मनमौजी हो जाते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा प्लेफुल होते हैं। प्लेफुल होने में क्या हो जाता है, ये थोड़े से एग्रेसिव हो जाते हैं। देखो, देखा आपने, ये खेलेंगे कूदेंगे मस्ती करेंगे। इनसे कभी कभार फिंगर फाइट जब हम लोग करते हैं, इनकी चोंच पकड़ के खेलते हैं, ये इतने एक्साइटेड ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं कि ये आपको बाइट भी करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसका इलाज भी होता है, इलाज इन द सेंस उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। उसका तरीका ये होता है कि आपको उनको बीच में खेलते खेलते थोड़ा सा ब्रेक दे दो ताकि ये ओवर एक्साइटेड नहीं हो जाए। अब रही बात इनके प्राइसिंग की, ये बर्ड काफ़ी महंगे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक डीवाइच मतलब डबल येलो हेडेड अमेजोन, उसके अंदर भी एक सब स्पीसीज आती है जिसको मैग्ना डीवाइच बोला जाता है, और येलो नेप, ये साढ़े तीन से लेकर 4 लाख रुपए तक जाते हैं। वो क्यों जाते हैं, इनकी अमेजिंग टॉकिंग एबिलिटी की वजह से। ये टॉकिंग एबिलिटी ऐसी वैसी नहीं करते, जैसे कि मैंने आपने पहले वीडियो में भी आपने देखा होगा ओपेरा गाते हैं, ऐसी आवाज़ की मिमिक करते, ना सिर्फ मिमिक करते हैं, आपकी आवाज़ की टेक्सचर और बेस को भी कॉपी करते हैं। मतलब जिस तरीके की अभी मेरी एक आवाज़ है, वो आवाज़ भी लोग कॉपी करते हैं। अब जैसे ये इसका नाम जिंगल्स है, जिंगल्स अकेले में पापा पापा पापा, ये मेरी आवाज़ नहीं कॉपी करता है, मेरे 14 साल का जो बेटा है जिसका नाम है मोहम्मद नायल, उसकी कॉपी करता है वो। अच्छा, तीसरी बात, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कभी कभार रात में इतनी बुरी तरह हंसते हैं एक चुड़ैल और डायन के जैसा, आप शायद घर छोड़ के भाग जाएं अगर इसने वो रात में अगर इसने हंसने की आवाज़ निकाल दी। मैं आपको एक वीडियो अभी दिखा देता हूँ। ही लाफ्स लाइक अ डेविल फ्लैश, ह्यूमन फ्लैश। आपको मैं एक ऐसी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए आप, मैंने अभी जितनी भी इसकी सब स्पीसीज के बारे में डिस्कस किया, चाहे ब्लू फ्रंटेड हो, येलो शोल्डर हो, येलो क्राउन हो, इसमें डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है, और डिफरेंशिएट करने का काम इतना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि इनके पैचेस अलग अलग जगह आते हैं। अगर आप इनके देखें, अभी इसका मैं फेदर दिखाता हूँ, वेट, इसकी वजह से इनकी सब स्पीसीज में डिफरेंशिएट करना काफ़ी मुश्किल होता है, इतना मुश्किल होता है कि इवन ब्रीडर और ट्रेडर लोगों को भी कन्फ्यूज होता है। एक बंदा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो एक येलो शोल्डर अमेजोन को ब्लू फ्रंटेड अमेजोन बोल के बेचे जा रहा है कि भाई ये ब्लू फ्रंटेड थे। फिर बहुत से एक्सपीरियंस लोगों ने उनको पॉइंट आउट किया कि भाई ये ब्लू फ्रंटेड नहीं है, ये येलो शोल्डर अमेजोन है। आप सोचिए, जब ब्रीडर और ट्रेडर इतने कन्फ्यूज हो सकते हैं तो आपका क्या हाल होगा। तो डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, क्योंकि काफ़ी महंगे बर्ड्स आते हैं, ठीक है। अभी जैसे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, एक DYH डबल येलो हेडेड अमेजोन को अगर ब्रीड करना है तो मुझे एक DYH की मेल और एक DYH की फीमेल चाहिए, तो मेरा जो कॉस्टिंग जाता है वो 5 लाख के करीब होता है, ब्रीडिंग पेयर की बात कर रहा हूँ मैं। मगर लोग क्या करते हैं, DYH की मेल लेते हैं और ब्लू फ्रंटेड का फीमेल लेते हैं और उससे क्रॉस ब्रीड निकालते हैं और मार्केट में बोलते हैं कि भाई ये DYH का चिक है, जिसका मतलब ये एक अनएथिकल प्रैक्टिस होती है, जिसका मतलब वो प्योर ब्रीड DYH नहीं होगा। सो जब तक ये चिक होते हैं तब तक ये अपने पूरे कलर्स नहीं दिखाते, ये 1 साल 1.5 साल के होने के बाद अपने पूरे पैचेस, जैसे ये है, ये 1.5 साल का चिक है, चिक नहीं बोलना चाहता, 1.5 साल का बच्चा है, और इसने अपने पूरे कलर दिखा दिया। अब मैं किसी को भी बताऊंगा ये क्या है, ये आराम से देख के बोलेगा कि ब्लू फ्रंटेड अमेजोन है, क्योंकि इसके आगे का जो कलर आया हुआ है उसकी वजह से। सो इस तरीके की अनएथिकल प्रैक्टिसेस अभी भी एवी कल्चर इंडस्ट्री में चल रही है। मेरा एक रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप एजुकेट बनिए,
एजुकेट इन टर्म्स ऑफ एवी कल्चर, स्पीसीज क्या होती है, इनका डाइट क्या होता है, खाना कैसा होता है, इनको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। सो मेरा एक रिक्वेस्ट था। और वीडियो एंड करने से पहले अगला जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है आस्क मी एनीथिंग या Q&A सेशन। अगर आपको मुझसे कोई एक ऐसा सवाल पूछना है बर्ड रिलेटेड और एविकल्चर से रिलेटेड, सो आप ये वीडियो के कमेंट में पूछिए। बट मेक श्योर यू यूज #ShekTanveer। आप #ShekTanveer यूज लिख के उसके आगे आप अपना क्वेश्चन लिखिए तो मैं उसका जवाब दूंगा। और बी अ वेरी रिस्पॉन्सिबल हॉबिस्ट, चाहे वो डॉग्स की हो, कैट्स की हो या बर्ड्स की हो, बिकॉज मैं बार बार कहता हूँ कि आइदर यू आर अ गुड एग्जाम्पल और यू आर अ वार्निंग। सो टेक केयर एंड गुड बाय।